त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र बिक्री एवं नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके तरह विभिन्न पदों के लिए 92 लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है, इसी तरह विभिन्न पदों के लिए 68 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधि काफी तेज हो चुकी है। प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर उत्साह ही उत्साह नजर आ रहा है। हर एक दिन नामांकन करने वाले और नामांकन प्रपत्र खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले चरण के चुनाव का नामांकन का आज अंतिम दिन है। लोहरदगा जिले के पेशरार और किस्को प्रखंड में पहले चरण में पंचायत चुनाव होना है, इसके लिए प्रत्याशियों की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है। इस बार चुनाव में पेशरार और किस्को प्रखंड में कई नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन को चुनाव कराना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई। जिस तरह से रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अभी भी ग्रामीण इलाकों में तनाव बना हुआ है, ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया को कराना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसको लेकर लोहरदगा की DDC गरिमा सिंह ने कहा कि चुनाव के समय जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहेगा, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना करे। ये चुनाव आपके लिए ही है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शायद जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का जो नामांकन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोगों ने अपने सारे आरोज को ट्रेन कर दिया है। नामांकन से जो इलेक्शन सिंबल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रक्रिया बहुत ही स्मूथली चल रही है। दूसरा, हम लोग के जो मतदान के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी प्लस जो मतगणना के अधिकारी हैं, उनका हम लोगों ने जो प्रशिक्षण है, जो मटेरियल है वो तैयार कर लिया है, तो सून हम लोग उसका भी प्रशिक्षण स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, जो मतगणना केंद्र है हमारा, उसकी भी मतगणना के दिन हेतु जो तैयारी है, जो भी उसको ठीक करवाना है वो भी स्टार्ट हो गया है काम, तो अच्छा जाएगा हमारा। मैम, पिछले दिन जिस तरह से कुछ इलाकों में दंगा जो हुई थी उसको लेकर के ग्रामीण भयभीत है, ऐसे में चुनाव कराना कितना कठिन हो पाएगा और लोगों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि जो ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो उन्हीं के लिए है, स्पेशली ये जो लोकल गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रहा है पंचायत लेवल पे, वो उन्हीं के लिए है। तो किसी भी तरीके की हिंसा की घटना ना हो। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि पूरे इलेक्शंस में इस तरीके की घटना ना हो। यस सर, हमारे एरिया में पेशरार क्षेत्र में पढ़ा समाज बहुत कमजोरी है और नक्सलीवादी भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए हमारे क्षेत्र को, समाज को बढ़ाना चाहते हैं और हम इस मुद्दे के वास्ते हम इस मुद्दे में उतरे हैं। सिर्फ पढ़ा समाज ही सबको आगे बढ़ाना है या फिर जो लोग और भी लोग होंगे, ग्रामीण क्षेत्र जो अभी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है उसको ना सड़क है, पहले तो सड़क नहीं थी लेकिन सड़क बनने के बाद ग्रामीण इलाके में बहुत सा ऐसा जगह जहाँ पर सड़क है नहीं है, बिजली की सुविधा पूरी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर काम आएगा? जी हाँ सर, हमारे एरिया में पेशरार क्षेत्र में सड़क के भी बहुत काफ़ी नहीं बना हुआ है और पानी की भी बहुत सुविधा नहीं है। उस जगह में हम पानी सुविधा देना चाहते हैं और सड़क की सुविधा भी देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सारे काम को देखते हुए बस पद उतरने के बाद हम काम को पूरा करना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सुमन कुमारी, पेशरार से चंदलकी गाँव हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।